Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your exams went well. You all have done, performed well in your test, and you all have enjoyed your first evaluation one. I hope so. क्योंकि बहुत दिनों से आपने test, proper test नहीं दिया था, तो ये evaluation जो था, जो आपका pen paper test था और MCQ था, multiple choice questions, आपको easy लगा होगा अगर आपने पढ़ाई की होगी तो, है ना। तो अब क्योंकि एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, वापस हम अपने ऑनलाइन क्लास और वीडियो क्लासेस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एग्ज़ाम के बाद का, इवैल्यूएशन के बाद का हमारा पहला वीडियो है, और जहाँ हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो, उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, बर्ड वॉचिंग, है ना। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारा पूरा हो चुका है। हमने स्टार्ट किया था इसका एक्सरसाइज, मैंने इसके आपको वर्ड मीनिंग करा दिया है, न्यू वर्ड्स करा दिए हैं। तो अब हमारा बचा, हमने कॉम्प्रिहेंशन इसका शुरू किया था। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, सेकंड भी हम कर चुके हैं। उसके बाद एक फन कॉर्नर था जहां पर आपको जॉइन करने थे डॉट्स, और जो भी पिक्चर बनेगा उसको क्लियर, उसको कलर करना था। आई होप ये आपने कर लिया होगा, पेज नंबर 50 पर है। देन ग्रामरली में था आर्टिकल्स, ए एंड द, और ये आर्टिकल का यूज़ ऑफ आर्टिकल जितना इस चैप्टर में ज़रूरी था उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आर्टिकल टॉपिक आपका ग्रामर बुक में भी है, वहाँ भी हमें ग्रामर में भी उस आर्टिकल को पढ़ना है, ए एंड द। तो वहाँ मैं आपको और एलाबोरेट ढंग से समझाऊंगी और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना समझना था उतना मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो आज जो हम करेंगे उसी बेस्ड पर, आर्टिकल जो है उस पर बेस्ड हम पैराग्राफ करने जा रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द। चिल्ड्रन, ए एंड द ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक बार ब्रीफ आपको रिकैप करा दे रही हूँ। ए हम ए एंड ये हम कब यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ अगर एक है तो, सिंगल है तो हम ए या एन यूज़ करते हैं। कहाँ ए यूज़ करते हैं, अगर नाउन की स्पेलिंग शुरू होती है कॉन्सोनेंट साउंड से, किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से, किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर से अगर वर्ड शुरू होता है, नाउन की स्पेलिंग शुरू होती है, तो उससे पहले हम ए लगाते हैं, बशर्ते कि वो चीज़ सिंगल हो, एक हो। और एन, एन कब लगाते हैं, जब वो नाउन एक है, सिंगल है, और उसकी स्पेलिंग वाउल से शुरू है, वाउल लेटर से शुरू हो रही है, वाउल मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही है। द कब यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज़ एक हो यूनिवर्स में, तब हम द लगाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हम सेंटेंस में पहले ही रेफ़र कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसी चीज़ के बारे में अगर दोबारा हमें बोलना है तब हम द यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 22 डेट का। तो प्लीज़ आप 22 डेट का वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, क्योंकि 22 डेट का जो वीडियो है उसमें मैंने ए एंड द का यूज़ एक्सप्लेन किया है, है ना। तो उसको अभी एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ using a and the। चले, Tweety was dash pretty bird, she had egg in her nest, one day the dash egg hatched and
आउट केम अ बेबी बर्ड. सॉरी, ब्लैंक कैट स्पॉटेड. जस्ट अ सेकेंड. Spotted dash tiny baby slowly dash cat climbed up tree and sat on dash branch close to baby bird. Dash eagle who was flying overhead saw blank cat and swooped down on it. Dash cat got scared and fell off blank branch. Blank little baby was very hungry. Tweety got dash small. अच्छा चलिए, इतना अभी इसमें क्योंकि फ्रेम में आ पा रहा है, इतना विजिबल है, तो मैं इसी को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, चलिए. ट्विटी वॉज ब्लैंक प्रिटी बर्ड. ट्विटी किसका नाम है? बर्ड का नाम है. तो यहाँ पे लिखा है वॉज प्रिटी बर्ड, क्योंकि बर्ड एक है, बर्ड एक है, तो हम क्या लिखेंगे? अ. क्यों अ लिखेंगे और एन नहीं लिखेंगे? क्योंकि पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वावल नहीं है. और मैंने आपको बताया था कि अगर स्पेलिंग जो है वावल लेटर से शुरू नहीं होता है, अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो हम ए लिखते हैं या अ लिखते हैं, और वो चीज़ एक होनी चाहिए. तो बर्ड यहाँ पर एक है, इसलिए. सो ट्विटी वॉज अ प्रिटी बर्ड. शी हैड, अब यहाँ पर एग है. कितने एग हैं? एक ही एग है. एग की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ई से स्टार्ट होती है. ई क्या है? वॉवल है. तो जब वॉवल लेटर है और एक हमारा जो नाउन है वो भी एक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन. बताया था ना मैंने आपको कि अगर वॉवल लेटर से स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो हम एन लिखेंगे. सो शी हैड एन एग इन हर नेस्ट. ओके, ट्विटी नाम की एक बर्ड होती है, प्यारी सी बर्ड होती है. उसके पास उसका एक अंडा होता है उसके नेस्ट में. वन डे, अब यहाँ पर एग एक ही है, ऑफ कोर्स एक ही एग है, स्पेलिंग भी ई से शुरू हो रही है, लेकिन हम यहाँ द लिखेंगे. क्यों द लिखेंगे? क्योंकि हम किसी भी अंडे की बात नहीं करें, किसी भी एग की बात नहीं करें, हम पर्टिकुलरली उस अंडे की बात कर रहे हैं जो किसका है? ट्विटी का है. ये वाला अंडा, ये वाला एग की बात हो रही है. मतलब जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, शी हैड एन एग, उसके पास एक अंडा था. अब वही अंडे की बात हो रही है, उसी एग के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे द.
वन डे द एग हैच्ड. कौन सा एग हैच हुआ? वो वाला एग जो ट्विटी का था, पर्टिकुलर एग जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए. ठीक है, सो वन डे द एग हैच्ड. हैच्ड क्या का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बर्ड अपने एग पर बैठ के उसको वार्म करती है और फिर वो उसकी वार्मथ से अपने आप फूट जाता है, उसको बोलते हैं हैच होना. अंडा को ऐसे हाथ से फोड़ देना हैच नहीं है, पटक के फोड़ देना हैच नहीं है. हैच कब होगा? जब वो खुद से फटता है, जब खुद से फूट जाता है अंडा. खुद से कैसे फूटता है? बर्ड अपने एग पर बैठती है, उसको वार्मथ देती है बॉडी की, धीरे धीरे एग गर्म होता है और उसके अंदर जो बेबी होता है वो बड़ा होता है और फिर अपने आप वो एग फूट जाता है, उसको बोलते हैं हैच होना. सो वन डे द एग हैच्ड एंड आउट केम अ बेबी बर्ड. उसमें से एक बेबी बर्ड निकली. ठीक, अब जब बेबी बर्ड तो निकल गई, उसके बाद डैश कैट स्पॉटेड. अब कैट मतलब एक बिल्ली है, एक ही बिल्ली है ना, कैट है, कैट्स नहीं है. सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होता है तो क्या लिखते हैं? अ कैट स्पॉटेड. अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे बेबी तो एक ही बेबी है, एक ही बेबी है ना, पर यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे हम अ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द. क्यों द लिखेंगे? क्योंकि हम उसी बेबी की बात कर रहे हैं जो बेबी इस अंडे में से निकला था. सेम है ना, आउट केम अ बेबी बर्ड. तो इसी पर्टिकुलर बेबी बर्ड की ही बात करें, हम किसी और बेबी बर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी वैसी बेबी बर्ड की बात नहीं कर रहे हैं. हम कौन से बेबी बर्ड की बात कर रहे हैं? ट्विटी वाले बेबी बर्ड की, जो एग के हैच होने से निकली थी, उसकी बात हो रही है. इसलिए अ कैट स्पॉटेड द टाइनी बेबी. उस जो छोटा सा बेबी निकला एग में से, उसको उसने देख लिया. स्पॉटेड का मतलब हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, चैप्टर 4 में पढ़ा था है. तो स्पॉटेड का मतलब होता है देखना, मतलब बहुत भीड़ है उसमें से दिखना, उसको देख लिया है ना. तो एक कैट ने उस टाइनी बेबी को देखा, स्पॉटेड द टाइनी बेबी. स्लोली द कैट. अब यहाँ पे द कैट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कोई भी अरे गहरे कैट की बात नहीं हो रही है. ये वाली कैट, जिस कैट ने बेबी को देखा, जिस कैट ने बेबी को देखा वही वाली कैट, दूसरी कोई कैट नहीं. इसलिए स्लोली द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री. अब यहाँ पे द ट्री क्यों? क्योंकि जिस पेड़ पर ये नेस्ट था उसकी बात हो रही है. ठीक है, सो द कैट स्लोली द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री. जिस पेड़ पर वो नेस्ट था उस पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है, इसलिए द ट्री. ठीक है, एंड सेट ऑन अ ब्रांच. अब यह कोई भी एक ब्रांच की बात हो रही है, एनी ब्रांच. सेट ऑन अ ब्रांच. अ ब्रांच क्यों लिखा? क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए एन ब्रांच नहीं लिखेंगे, अ ब्रांच लिखेंगे, क्योंकि बी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है. सो दिस कैट, अ कैट स्पॉटेड द टाइनी बेबी. स्लोली द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री एंड सेट ऑन अ ब्रांच क्लोज टू द बेबी. क्योंकि ये उसी पर्टिकुलर बेबी की ही बात हो रही है. अगर हम अ बेबी बोलेंगे इसका मतलब कोई भी बेबी बर्ड, पर यहाँ पे किसी भी एक बेबी बर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर बेबी बर्ड की बात कर रहे हैं जो ट्विटी का है. ठीक है, इसलिए हम बार बार बेबी के लिए द लिख रहे हैं. पहली बार अ बेबी था, लेकिन अब क्योंकि बार बार उसी बेबी बर्ड की बात हो रही है, इसीलिए द बेबी. ठीक, सो सेट ऑन अ ब्रांच क्लोज टू द बेबी बर्ड. एन ईगल. अब यहाँ पे एन ईगल क्यों लिखेंगे? क्योंकि ई जो है वो वाउल होता है और ईगल भी एक है, इसलिए एन ईगल हु वॉज फ्लाइंग ओवर हेड. ओवर हेड मतलब ऊपर ही, पेड़ के ऊपर ही मंडरा रहा था, ओवर हेड. एन ईगल हु वॉज फ्लाइंग ओवर हेड, ऊपर उड़ रहा था, सॉ द कैट. उसने भी उस बिल्ली को देखा. ठीक है, एक ईगल जो ऊपर ही उड़ रहा था, पेड़ के ऊपर ही मंडरा रहा था, उसने उस बिल्ली को देखा. अब ईगल जो है वो तो बिल्ली को आराम से पकड़ सकता है, आपको पता है कि ईगल इतना ऊंचा उड़ता है और उसका जो पंजा होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो आराम से कैट को इसे पकड़ सकता है. तो उसने बिल्ली को देखा एंड स्वूप डाउन ऑन इट. स्वूप मतलब तेज़ी से नीचे आना. ऊपर उड़ रहा था वो ईगल और एकदम झटके से तेजी से नीचे आया. किस लिए आया? वो बिल्ली को पकड़ने के लिए. ठीक है, द कैट गॉट स्केयर्ड. अब जो बिल्ली थी ये डर गई,
अगर मैं लिखती यहाँ पे अ कैट गॉट स्केयर्ड, मतलब तो कोई भी एक बिल्ली, कोई भी बिल्ली थी जो उससे डर गई, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उस पर्टिकुलर कैट की बात हो रही है जो उस पेड़ पे चढ़ी थी और ब्रांच पे बैठी थी बेबी बर्ड के लिए. सो द कैट गॉट स्केयर्ड एंड फेल ऑफ दी ब्रांच, जिस ब्रांच पे बैठी थी उसी ब्रांच से गिर गई. यहाँ पे अ ब्रांच था, अब क्योंकि हम उसी ब्रांच की बात कर रहे हैं इसीलिए दी ब्रांच, ठीक है. यहाँ पे अ ब्रांच है पर यहाँ पे दी ब्रांच, क्योंकि उसी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में हम दोबारा से बात कर रहे हैं. सो फेल ऑफ द ब्रांच, गिर गई वो. तो द लिटिल बेबी, क्योंकि वही बेबी की बात हो रही है, अगर अ लिटिल बेबी होता तो कोई भी लिटिल बेबी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर उसी बेबी बर्ड की बात हो रही है. सो द लिटिल बेबी वॉज वेरी हंग्री. ट्विटी गॉट, अब यहाँ पर इसको मैं तुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ. अगर आपने देख लिया है तो आप देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ. चलिए, हमने किया कि द बेबी, सॉरी बर्ड द लिटिल बेबी बर्ड वॉज वेरी हंग्री, ठीक है, बहुत हंग्री थी. ट्विटी गॉट ब्लैंक स्मॉल मैंगो डैश ऑरेंज एंड डैश स्क्विगली वॉर्म फॉर हर बेबी. चलिए, द लिटिल बेबी बर्ड वॉज वेरी हंग्री, वो जो बेबी बर्ड थी बहुत भूखी थी. तो ट्विटी जो उसकी मम्मी थी उसने क्या किया उसके लिए, गॉट अ स्मॉल मैंगो, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है और एक ही मैंगो है इसलिए अ स्मॉल मैंगो. एन ऑरेंज, क्योंकि ओ क्या होता है, वोवल लेटर होता है, ओ जो है वो वोवल है, तो इसलिए एन ऑरेंज. एंड अ स्क्विगली वॉर्म, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्क्विगली वॉर्म फॉर हर बेबी. तो ट्विटी ने अपने बच्चे के लिए एक स्मॉल मैंगो, एक अ स्मॉल मैंगो, एन ऑरेंज एंड अ स्क्विगली वॉर्म फॉर हर बेबी, ताकि उसकी बेटी जो हंगरी थी उसका जो बेबी उसको वो खिला सके. तो ये हो गया आपका पैराग्राफ विथ आर्टिकल्स, ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट बचा है उसको हमें करना है. एंड चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज नॉट हैविंग क्वेश्चन आंसर, सो आई गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, पर वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम वर्ड बिल्डिंग कर लेंगे उसके बाद, ठीक है. आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.